बात्या आसुची जीव कुआडे संभाव्य बात्या केउठी केते प्रस्तुत सरकार राज्यर केऊ जिल्लाकु रहिची बात्या विपत्ति फनी ठारु सानो बात्या अम्फान कोडियेरे अम्फान छुइबो कि स्थलभा आसंतु सुनिबा कोन कहउचंती स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर कि हजारे कोडियेर 1030 किलोमीटर दूरी अछि एवं यहा नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्नली डायरेक्शन रे मूव करिवो आसंता काले संध्या पर्यंत तापरे रिकर्व करिवार जो अच्छी से रिकर्व करिवो रिकर्व करके नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्नली डायरेक्शन रे टुवर्ड्स पश्चिमबंग उपकूल दिगरे उत्तर बंगोपसागर रे गति करिवो एवं जहाँ आज आईएमडी रो महानिर्देशक कैबिनेट सेक्रेटरी उनकर जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होता पश्चिमबंग एवं ओडिशा सरकार मुख्य शासन सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी मान सहित से ही मीटिंग रे से सूचना देले जे यहाँ जो वर्तमान पर्यंत तथ्य अनुसार जो मॉडल रन कर से मॉडल अनुसार एटा वेस्ट बंगाल रे लैंडफॉल करिवार संभावना देखा दउछे तबे एटा होजे मॉडल बट रिकर्व नकला पर्यंत एक्जाक्टली कहवा संभव हम ना तेणु होपफुली बाय टुमरो इवनिंग आम कल संध्या पर आम क्लीयर पिक्चर ए संपर्क में आईएमडी को देपर एवं तर जो सका आम जो कही 18 तारीख संध्या पर ठार् प्रभाव में दक्षिण ओडिशा रे दक्षिण ओडिशा रो कोस्टल जिला मानक लाइक गंजाम इवन गजपति किसी अंश नयागढ़ खोर्धार वर्षा हो पाए सामान्य रू मध्यम धरण वर्षा हो पाए काँ भा जोर रे मध्य वर्षा हो पाए 19 तारीख रे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट रे एंटायर कोस्टल स्ट्रेच रे केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर पर्यंत मध्यम धरण रू हेवी रेनफल बा प्रबल वर्षा मध्य हो पाए आते जगह अति प्रबल वर्षा होबार मध्य संभावना अछि 20 तारीख दिन पर्टिकुलरली जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर एवं मयूरभंज किसी अंश प्रबल वर्षा होबार संभावना अछि एवं 20 तारीख आफ्टरनून रु एटा लैंडफॉल एनी टाइम करि पारे 20 तारीख आफ्टरनून संध्या भितर लैंडफॉल करिवार संभावना अछि तेबे एटा होजी मॉडल फोरकास्ट अनुसार एक्चुअल पाथ एनालिसिस जितेबाला रिकर्व होपर एक्चुअल पाथ एनालिस संभव हम से आए क्लीयर टर्म्स निर्दिष्ट भाव में यह संपर्क में सूचना राज्य सरकार मान को देवे आज कही आज कैबिनेट सेक्रेटरी जो बैठक होता से विभिन्न मंत्रणालय जो वरिष्ठ अधिकारी मैंने थे से मैंने राज्य सरकार सहित आलोचना जदि राज्य सरकार किसी साहय दरकार पड़े इवाकुएसन जदि दरकार पड़े बा पोस्ट साइक्लोन रिस्टोरेशन पाई जहाँ दरकार पड़े से सहयोग जोगाई देवाप प्रतिश्रुति एवं से हिसाब रे राज्य सरकार माने मध्य जदि किसी आवश्यकता पड़े ताहले माने एयर इवाकुएसन हो बा कोस्ट गार्ड सपोर्ट हो बा एनडीआरएफ सपोर्ट हो बा पोस्ट साइक्लोन रिस्टोरेशन सपोर्ट जदि दरकार पड़े राज्य सरकार मैंने इमिडिएटली भारत सरकार को जनइबे और से समर्थ आवश्यक पदक्षेप नि आज संध्या 5 बेले माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक महोदय मुख्य शासन सचिव डीजी पुलिस डीजी फायर सर्विस एवं वरिष्ठ सचिव मानक सह 12 जिलार जिलापाल एवं जिला स्तरीय अधिकारी मानक सहित वीडियो जोगे यही संभाव्य बात्या परिस्थितिर माने प्रस्तुति को संपर्क में अनुधान करते रिव्यू करते माननीय मुख्यमंत्री केतक निर्देश मध्य जो निर्देश मुझे से संपर्क में सम्यक सूचना देवी जे माननीय मुख्यमंत्री प्रथमे जिला प्रशासन जिला समस्त अधिकारी माने जो ढंग से वर्तमान कोविड पाई व्यस्त अच्छा कोविड पाई काम करें धन्यवाद देवा सहित से ही काम सहित बर्तमान बात्यार प्रिपेरेसन जो
आम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अनुसार जो प्रिपेरेसन काम आरंभ कर समस्त धन्यवाद देखते समस्त आह्वान देखते जे कोविड मुकाबला सहित आम बात्यार सफल मुकाबला केमती करवा से दिगरे समस्ते जत्नवान हो कम करे राज्य प्रशासन सह जिला प्रशासन संपूर्ण कोऑर्डिनेशन समन्वय रे जमती काम करे अतीतर जो भली बात्या परिचालन रे राज्य जमती सुफल पाई राज्यर जो सुनाम आसी से सुनाम को आम जमती बजाय रखा से दिगरे समस्ते कार्य करने आह्वान देखते से ही क्रम जो अच्छी आम बात्या समय बात्या जनित जीवन हानि को केमती मिनिमाइज करवा वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ जीरो कैजुअलिटी से संपर्क में सचेतन होगा समस्त को निर्देश देखते आह्वान देखते जिलापा जे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करी जेहेतु एटा गोटे समर साइक्लोन रिवर फ्लडिंग संभावना कम रेणु आखिरी रखी वल्नरेबल एरिया आइडेंटिफाई करेंगे पर्टिकुलरली जो मैंने कच्चा घरे रोचे आजबेस्टस बा चाल घर बा जीसीआई सीट घर छपर घरे रोचे स्टॉर्म सर्च पॉइंट रू लो लाइंग एरिया जो अच्छी उपकूल तीन चार किलोमीटर पांच किलोमीटर भितर जो गाँव गुड़िक अच्छी तार आनालीसीस करी जो आवश्यक पड़े से ही जगार इवाकुएसन करने समस्त पदक्षेप ने इवाकुएसन करने राज्य में बर्तमान पखापाखि यो बारोटी जिले में आमर 809 साइक्लोन सेल्टर बा मल्टीपर्पज फ्लड सेल्टर साइक्लोन सेल्टर थिला से 242 गोटी आमर कोविड कार्य लगी आउ 567 मल्टीपर्पज फ्लड साइक्लोन सेल्टर फ्री अच्छी से साइक्लोन सेल्टर गुड़ी व्यवहार करने सहित जिलापाल मैंने 12 जिले में 7092 अन्य बिल्डिंग छात घर मानने स्कूल घर तो एमती आजबेस्टस घर भी कौटी थी केवल छात थिबा स्कूल कॉलेज घर बा पब्लिक बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करचंती जोठी आवश्यक हेले सेई घर गुड़ी को आम टेम्पोरारी सेल्टर हिसाब से व्यवहार कर पारिबा एवं प्रति सेल्टर पर माननीय मुख्यमंत्री निर्देश देचंती जोटा को आम सेल्टर भाव व्यवहार करवा सेठी जो आनुषंगिक व्यवस्था उपर दृष्टि देबे एवं प्रति सेल्टर पर डिफाइंड ऑफिसर स्टाफ कोठी शिक्षक रही पारंती कोठी अन्य विभाग ऑफिसर नियुक्ति दि जाए पारे जो मैंने ये साइक्लोन सेल्टर मैनेज करिया रे ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक प्रशासन को साहाय्य करिवे ता सहित आम अतीतरे देखिछे जे बात्या हेला आमर बेसिकली तीनोटी समस्या हुए गोटे हूँ मत्स्यजीवी मैंने समुद्र को जाती से केमती फेरे आने तेणु तारी उपर निर्देश देखते समस्त केमती फेरी आसवे जहा हूँ भल कथा गत तीन दिन धरी बात्या संपर्क में जदि आम साधारण भाव में चर्चा करूँ तेणु कितु बात्यार संभाव्य बात्या को नहीं आमर ट्राक प्रस्तुति तीन दिन है आरंभ होता से ही क्रम फिशरीज डिपार्टमेंट जी बोट आउ ट्रलर समुद्र भितर को जाते आज सुधा से खबर संग्रह कर सारी जे वर्तमान आउ कौन ट्रलर बा बोट स्मॉल बोट वर्तमान समुद्र भितर नहांती तार दुईटी कारण हूँ जो मुझे जाइए फेर अणाई अन्न मान को जीवाक दि जाऊनि आउ एटा जेहेतु फिशिंग बैन समय से ट्रलर मैंने डीप सी मध्य जीवाक बारण अच्छी तेणु ये उभय को आखिरे रखी वर्तमान जहाँ रिपोर्ट आसी वर्तमान समस्त पावर बोट ट्रलर एवं स्मॉल बोट वर्तमान कूल को फेरी आसी तापर द्वितीय हूँ आमर क्रप तेणु क्रप डैमेज होवार संभावना अच्छी पवन बा वर्षा जो से कृषि विभाग एडवाइजरी देखते माननीय मुख्यमंत्री आज कही कृषि विभाग अधिकारी मैंने फिल्ड की जातु काली से संपर्क में निर्देश देते तेणु से ही हिसाब से कृषि विभाग कर्मचारी बर्तमान फिल्ड में सीनियर अफिसर मैंने जा बुलूंव चाषी मान चेष्टा कर बुझा जा जो भी संभव से फसल को कमी अमदानी अमल काटिकी नहीं आस सुरक्षित भाव रखे से संपर्क में कार्य आरंभ हो आशा जे जो असुविधाटा आम मिनिमाइज करपर तृतीय समस्या जोटा हम
आमे जोटा सब देखीचे जदि जोर रे पवन हम ताले हुए तो इलेक्ट्रिक इनफ्रास्ट्रक्चर सब अधिक क्षतिग्रस्त हो तेणु विद्युत सरबराह सिस्टम आमर किसी अंश जदि क्षति हुए से केमिति आमे ताकु केते जल्दी रिस्टोर करिबा से संपर्क रे एनर्जी डिपार्टमेंट आज सकाळे माननीय शक्ति मंत्री शक्ति विभाग सचिव ओपीटीसीएल ग्रिडकोर सीएमडी सेसु नेस्को एवं साउथ कोर ऑफिसर मानक सहित आलोचना करिसंती इन्वेंटरी एनालिसिस तंकर चली एडिशनल मैन पावर गैंग मोबिलाइज करने निष्पत्ति नहीं एवं से संपर्क कार्य आरंभ करिसंती काले सुधा तार आउ टिके बेटर ये जना पड़ो कौटि कौन हो सो से निर्देश दिखाई तापर है आम रास्ता माने आम देखू बात्यारे सब बेसी क्षतिग्रस्त हुए इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट एनर्जी डिपार्टमेंट इनफ्रास्ट्रक्चर आउ गोटे हूँ गच तेणु गच उपड़ संभावना रोकपाई आम लोक सतर्क करवा बात्या आरंभ पवन आरंभ है आम बाहर बुलवा ना कितु जदि गोटी पड़ जाए तो आमको काटिक सफा करने को पड़ो पर्टिकुलरली प्रथम हूँ जो बार घंटा भितर आम कमी रास्ता क्लीअर करवा से जिलापाल मानक निर्देश दिखाई जे से रैपिड रेस्पन्स टीम करेंगे आम बर्तमान ओड्राफ एनडीआरएफ डिप्लॉयमेंट से संपर्क में कह वर्तमान फायर सर्विस टीम डिप्लॉयमेंट कराऊ एडिशनल फायर सर्विस टीम सो ओड्राफ एनडीआरएफ फायर सर्विस टीम सहित पीडब्ल्यूडी आदि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंटर जो डिविजनल इंजीनियर मान को नहीं से रैपिड रेस्पन्स टीम करेंगे किसी प्रोक्लेन मशीन डोजर आवश्यक साज सरंजाम जहाँ दरकार मोबिलाइज करेंगे डिसेंट्रलाइज मैनर में रखे सो दैट आज अर्ली एज पॉसिबल विल रिस्टोर आम रास्ता थे रिस्टोर हो गले आमर फूड मूवमेंट इलेक्ट्रिकल रिस्टोरेसन सहज हे और दरकार पड़े आम ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर जिनस गुड़िकमें सहजरे रिस्टोर कर पदक्षेप नापी जिलापाल मान कई देन कमिंग टू ड्रिंकिंग वाटर सो इलेक्ट्रिक न रही ड्रिंकिंग वाटर पाइबार असुविधा हे ताक आखिरी रखी पंचायतराज विभाग बर्तमान पर्यंत यो मेजर एरिया माने चारिटा जिला ता सहित आठटा जिला को मध्य आमे अलर्ट रखीचु सो यही चारिटा जिला मयूरभंज जिला रो किछि अंश एवं जाजपुर रो किछि अंश एवं पुरी रो किछि अंश कटक रो किछि अंश रे जोडी पवन टिके अधिक हेबार संभावना अछि से अंचल गुडी को पाई से माने बर्तमान एडिशनल डीजी सेट मोबिलाइज करथिन बर्तमान सुधा 152 टा डीजल जनरेटर थ्री फेज आउ सिंगल फेज जेनेटर से मोबिलाइज कर सारे एडिशनल डीजल जेनेटर सेट मोबिलाइज करपरी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो एनएससी आउ म्युनिसिपैलिटी अच्छी तापे अनुरूप भाव से पंपिंग कैपासीटी बढ़ाया प्लान कर सहित मोबाइल टैंकर और फिक्स्ड टैंक ताकू से मोबिलाइज कर आशा करवा जो प्रिपेरेसन चली कारण फनीर अभिज्ञतारु आम बर्तमान शिखबार अच्छे तेणु से ही अभिज्ञतारु नहीं डिपार्टमेंट माने ये प्रस्तुति करेणु ड्रिंकिंग वाटर विषय कहली सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट प्लान करी जो आवश्यक पड़ो जहाँ जिलापाल मानक इवाकुएसन जहाँ सपोर्ट दरकार पड़ो ड्राए फुड स्टॉप बा कुक्ड फुड जहाँ दरकार पड़ो से जोगेदेवे सहित कोऑपरेशन डिपार्टमेंट जो धान मंडी आमर अच्छे धान एवं रबि फसल जेहेतु ये हूँ तेणु किसी जिले में धान अमल चली धान किनाबिका मार्केट मंडी गुड़िक ऑपरेट करुच्ची तेणु से ही धान मंडी गुड़िक 18 तारीख पर आम 19-20 को प्रिकसनारी मेजर 18 टू प्रिकसनारी मेजर भाव में यही तीन चारोटी डिस्ट्रिक्ट अंत पक्षे बंद रखा टिल साइक्लोन पासेस तापर परिस्थिति देखि परवर्ती निष्पत्ति विभाग नब एवं चाषी मानू से सतर्क कराई जहाँ किसी अमल कर जहाँ किसी काटि काढ़ घोड़े रख सो दैट ये बर्षारु दाऊ आम रक्षा करपर कमिंग टू जे गोटे कनसर्न जिलापाल मैंने उठे कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग में मुख्य शासन सचिव ताकू उपस्थापन करे जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन गुड़िक चलुची जेहेतु संभाव्य बात्या परिस्थिति अच्छी से बात्या समय कोविड रिलेटेड काम तो चलो ता सहित बात्या काम भी करा पड़ो ता सहित जदि यही कतगुड़े जिला कोस्टल जिला को जदि भारत सरकार को अनुरोध रही
ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ଶ୍ରମିକ ସ୍ପେଶାଲକୁ ଏଇ ତିନି ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ 18 ତାରିଖ 19 ତାରିଖ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକିଏ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ତାକୁ ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରିବେ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୁହା ହେଇନି, କେବଳ ଏଇ କୋଷ୍ଟାଲ ଆମର ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏଇ ଯେଉଁ 12ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ ସେଥିରେ ଯଦି କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରମିକମାନେ କିଛି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ ଯେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଫେଜ୍ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଏପଟକୁ ପଠାଇବେ। ସୋ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ହିସାବକୁ ନିଆହେଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୋ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେମିତି ରହିବା କଥା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସେଠି ଆଜି SP ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କାମ ଠିକ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି। ତାପରେ କମିଂ ଟୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଆଉ NDRF ଫାୟାର, ଆମର ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର 20 ଓଡ୍ରାଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ରେ 50 ଜଣ ଲୋକ, ଆମର 1000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। 18ଟା ୟୁନିଟ୍ ଆମର ଅଛି NDRF, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ADG ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ମିଷ୍ଟର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ IPS ଯିଏ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ, ଆଉ NDRF ଆମର ଲୋକାଲ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡୁଳି ବାଟାଲିୟନ୍ର ମୁଁ, ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। କାଲି ସକାଳେ ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଫର୍ଦର ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଯାହା ପାଇଛୁ କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କରି ୱିଲ୍ ମୋବିଲାଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆୱାର ଓଡ୍ରାଫ୍ ଆଣ୍ଡ NDRF ୟୁନିଟ୍ସ ଟୁ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍। ତା ସହିତ DG ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଅନ୍ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଲରେଡ଼ି 30ଟା ଫାୟାର ଟିମ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଏଇ ଯେଉଁ 4-5ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କିଛି ଫାୟାର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ଆଣିବେ ଏଇ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ରେସ୍ପନ୍ସ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 685ଟି ଟାୱାର ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର୍ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ସେଥିରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଇଟ୍ କାମ କରୁନି ବୋଲି ଆଜି ଯାହା ଖବର ମିଳିଲା, କାଲି ସୁଦ୍ଧା କାଲି ପରଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ରିପେୟାର କରିଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 24/7 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। 24/7 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦିନରେ ତ ଅଫିସ୍ ଚାଲୁଛି, ଅଫିସରମାନେ ରହିବେ, ରାତିଠୁ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଅଫିସର ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ରହିବେ। ଏବଂ ଆମର SRC କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ତ 24/7 ରହେ ଖୋଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ରାତି ମଧ୍ୟ ଆମର ସିନିୟର ଅଫିସରମାନେ ରହିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି କେଉଁଠି ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଆମେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରି ଆମେ ତାକୁ ଚଳେଇବୁ। ତା ସହିତ ଆମେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ, କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବୋଟ୍ କିଛି ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ସହିତ ରୀତିମତ ରେଗୁଲାର ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବୁ। ସୋ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବାର ସଫଳ ହୋଇପାରିବୁ। କାଲି ଗତକାଲି ମୁଁ BSNL, ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍, ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏବଂ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଟେଲିକମ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। 2ଟି ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲେ ଡିଜେଲ ବେଳେବେଳେ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ BTS ଗୁଡ଼ା କାମ କରିପାରେନି। କାଲି ସମସ୍ତେ ଆସ୍ୟୋର୍ କରିଛନ୍ତି, 2ଟା କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର୍ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଡିଜେଲ ସବୁଠି ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋତେ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ, ରିଭ୍ୟୁ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। DC ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି ଟେଲିକମ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଜିନିଷ କହିଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଲୋକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡିଜେଲ ଏବେ ନାହିଁ
आम का सुधा जनातु सो दैट विल एनश्योर दैट डीजेल रिचेस दे वन जदि वर्स्ट पसिबल केस्रे कौन जगह डीजेल न पहुँची पार्टी विभाग से द्वारा तेल इन दैट केस विल अथराइज द कलेक्टर टू अल्सो टेक् यूनिलैटरल एक्शन सो दैट डीजेल जिनस प्रथम ये करवा एक द्वितीय रोचे पवन हेल्ले जमी इलेक्ट्रिकल इनफ्रास्ट्रक्चर इज प्रोन टू डैमेज टेलिकम इनफ्रास्ट्रक्चर विल अल्सो भी प्रोन टू डैमेज बट आम जहाँ देखीचे अति भयावह पवन न टेलिकम टावर फेल्युअर टे कम हम जदि हम आम तो से संभावना तो एड़ा दे पारा नहीं गोटे भल कथा जहाँ आम जो मॉडल रू जना पड़े मोस्ट लाइकली साइक्लोन विल नॉट मेक ए लैंडफॉल इन ओडिशा ओडिशा लैंडफॉल करवार संभावना बर्तमान सुधा देखा जाए जदि ओडिशा कोस्ट रू बाहर को जब आम निश्चिंत टिके लेसर विंड इन्फ्लुएंस जोन में रहा तेणु से अनुसार आम आशा करवा आम टेलिकम टावर बेसी न हो नष्ट न हो जदि हम तापर आम टेम्पोरारी जो सेल ऑन व्हील कहीचु अलर्ट करूँ सो इन दैट केस वी हैव टू एंस मैंने रिक्वेस्ट टेलिकम डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड सेल ऑन व्हील नहीं काली जो कहले ना मैंने रिकर्व नहला पर्यंत क्लीयर पिक्चर पास बाहरी पार ना यहाँ मॉडल बेसीस जेनराली चले बट जी मॉडल आज जहाँ डी जी आई एम डी कहले जी मॉडल बर्तमान देखा ता मोस्ट ऑफ द मॉडल्स आर शोइंग दैट इट इज लैंडफॉल विल बी इन वेस्ट बंगाल कोस्ट दैट इज द मॉडल्स आर शोइंग बट रिकर्व हमें टिके से संपर्क में क्लीयर पिक्चर आसे देन वी कैन बी सियोर कि कौटी लैंडफॉल कर कौ स्पीड्रे जब कौ विंड वेलोसिटी कौ जोन में कौन रपन यो मैपटी देखुं ये मैप्रे देखी थे सबुठ कोर गोटे येलो जोन अच्छे येलो पर गोटे ग्रीन जोन अच्छे तापर गोटे ब्लू जोन तापर गोटे ग्रे जोन सो येलो जोन इज द प्लेस व्वेर द मैक्सीम विंड वेलोसिटी रुँ कम ग्रीन जोन कमिंग कम जदि आप देखिए येलो जोन ओडिशा टच करा बाउंड्री टच करनी मॉडल पाथ इज करे देन ओडिशा रे मोस्ट इंटेंस फेस्टा रही विंड फेस्टा रही ना दैट वन गुड थिंग सो दैट डजन मीन जो आम पवन हम ना ओके ग्रीन जोन रे येलो जोन अपेक्षा 30-40 किलोमीटर स्पीड कमी सो बट वी मस्ट ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट से दृष्टि आम आज जिलापाल मान को सतर्क कराइचु जे लेट अस प्रिज्यूम दैट वी आर गोइंग टू गेट दि मोस्ट इंटेनसीव विंड ताकु आखिर रखी प्रिपेयर करूँ आउ जदि विंड कम है देन इट इज गुड फर अस आम आ सहित अल्टिमेटली इट ऑल डिपेंड्स जे आम तो समस्त प्रार्थना करवा जे मैंने टिके ईस्टर्नली डायरेक्शन में घुची जाऊ आउ टिके ईस्टर्नली डायरेक्शन में घुची गले हूँ तो तार इंपैक्ट आम उपर कम रहिबो सो बट आज जहाँ मैंने मानव मुख्यमंत्री एवं मुख्य शासन सचिव जहाँ आम जहाँ आलोचना कर जिलापा सहित से गोटे जिसपे आम सजा करूँ लेट अस प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड देन सी इफ इट डजंट अफेक्ट अस देन इट्स विल बी बाबा रिकर्व ना कत से तो गोटे नेचुरल फेनोमेन इट इज नॉट ए मैन मेड ने एज्यूम करा बाय टुमरो इवनिंग अराउंड रिकर्विंग हम सो सो होपफुली बाय टुमरो इवनिंग नाइट बिफोर मिड नाइट विल बी इन अ पोजिशन टू नो द पार्ट